हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इसमें हम लोग इंग्लिश पर बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंग्लिश का पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने देखा है ना, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं यार। मतलब वो कहते हैं यार मैथ रीजनिंग तो हो जाएगा, इंग्लिश बस हो जाए कैसे भी, बाकी तो मैं देख ही लूँगा। मोस्टली पीपल ऐसे ही बोलते हैं, जिनको भी मैंने तैयारी करते अपने साथ देखा था, सबका ऐसे ही ये एक एटीट्यूड था यार, कैसे भी करके इंग्लिश क्लियर हो जाए, इंग्लिश में इतने नंबर आ जाए, बाकी तो मैं कर ही लूँगा। मैथ रीजनिंग में तो 35-35 आ रहे हैं, बस इंग्लिश क्लियर हो जाए तो एग्ज़ाम क्लियर। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे मिलेंगे जिनको इंग्लिश को लेकर एक अलग ही फोबिया है। तो मैं कहूँगा ना कि फोबिया बहुत लोगों में है, क्योंकि वो सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते इंग्लिश को। मेरे समय भी एक था, नहीं मेरे समय में भी मुझे भी था फोबिया, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था यार इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे, वाकई में मार्क्स नहीं आते थे। फिर लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश पे थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया, देखा कि मैंने कहाँ कहाँ मैंने भूल किया है, और अपना स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज किया। थोड़ा सा चेंज आते ही ना सब कुछ बदल गया, मार्क्स भी इंग्लिश में अच्छे आने लगे। 10-12 से मैं 26-27 तक मेरे मार्क्स आए इंग्लिश में, तो पूरा चेंज हो चुका था। मतलब एक छोटी सी चेंज ना मेरी पूरी इंग्लिश के मार्क्स को ही चेंज कर दी। वो छोटी सी चेंज क्या था, वो चेंज था ग्रामर। ग्रामर को हम लोग जस्ट इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि यार इतना सारा ग्रामर पढ़ के क्या होगा, क्यों ही पढ़ना इतना ग्रामर। लेकिन मुझे लगता है ना कि ग्रामर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इतने सारे ग्रामर पढ़ूँ, उससे मैं मुझे बस 5 एरर करेक्शन बनाना है, उससे क्या फ़ायदा। लेकिन आप ग्रामर के ना जो डिफरेंट आपको जो यूजेस है ना, वो आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता होगा कि एरर करेक्शन में ही तो ग्रामर का यूज़, इसके अलावा तो यूज़ नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप ग्रामर अच्छे से करते हो ना, तो वो सिर्फ आपको एरर करेक्शन में ही नहीं, बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ तक कि आरसी में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैंने देखा है ना कि मैंने ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू ना मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं कितने सारे क्वेश्चंस में, ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू। ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू मैंने फिलर सॉल्व किए हैं, वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और एरर करेक्शन तो नॉर्मल है, वो तो होता ही है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना इंग्लिश में, मोस्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से ना ग्रामर से कनेक्टेड होते ही हैं। तो ग्रामर को इम्प्रूव करना बहुत ही मस्ट है। तो मैं इस चीज़ को समझ चुका था अर्ली, पिछले साल अर्ली में ये समझ चुका था कि ग्रामर पे मुझे अच्छा करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया मेरा, मैं उस समय निमिषा मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ से मुझे पता चला 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो वाकई में नया था, क्योंकि ग्रामर जनरली मैं एक बुक की शुरू में पढ़ते आ रहा था, जो नॉर्मली होता है नाउन प्रोनाउन ऐसे करके। लेकिन जब मैं 120 रूल्स एक डिफरेंट रूल्स, मतलब एक सेट ऑफ रूल के थ्रू पढ़ने स्टार्ट किया ना, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ना एक जैसे मैथ में फार्मूलाज होती है ना, उस टाइप की मुझे लगने लगी इंग्लिश की लैंग्वेज जब मैंने उस वे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो ग्रामर जो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, या वो जो मुझे ग्रैप्स करने में बहुत दिक्कत होती थी, वो सडनली मतलब सारी चीज़ें समझ में आने लगी, मतलब एक फार्मूला जैसी माइंड में बैठने लगी। तो वहाँ से मैंने 120 रूल ऑफ ग्रामर बहुत अच्छे से किया था। तो मैंने एक बुक फॉलो किया था, वो है ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये आप ये बुक देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये निमिषा मैम को मैं फॉलो करता था, तो उनके वीडियोस के साथ साथ मैं ये बुक भी फॉलो करने लगा, क्योंकि ये बुक जो थी वो मुझे काफ़ी हेल्प करती थी, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत चीज़ें जो थी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इस बुक के कारण। और जिसके कारण जैसे यहाँ पे ढेर सारे पहले ही सेक्शन में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के सेक्शंस हैं, जहाँ पर आपको हर एक जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स है वो नंबरिंग वाइज दिए हुए हैं। तो मुझे वीडियोज़ के साथ साथ जब मैं बुक पढ़ने स्टार्ट किया, तो मुझे क्या लगा ना कि मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे बस मैं वीडियोस देखा एक बार, उसके बाद मैं ये बुक से रेगुलर रिवाइज करता था, हर एक रूल में पढ़ता था एक एक बार कि हाँ ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक रेयरली के बाद यहाँ पे डिड लगा हुआ है, ये वो
उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखो हैड के बाद फिनिश्ड लगा हुआ है क्योंकि ये एक ग्रामेटिकल रूल है, हैज़ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और हाँ, रेयरली के साथ डिड लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो रूल्स है, एक एक करके एक फार्मूला की तरह मुझे याद होने लगी। मुझे अभी भी, मैं तो जॉब कर रहा हूँ अभी, मुझे लगता है कि 120 मैक्सिमम रूल्स मुझे अभी भी याद होंगे क्योंकि इतने अच्छे से मैं ये सारे बुक को इतने अच्छे से पढ़ा था कि मुझे लगता है कि अभी भी मुझे सारे ये सारे रूल्स याद होंगे। तो ये बुक वाकई में बहुत अच्छी थी। निमिषा मैम के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ के उसके थ्रू भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और पढ़ते पढ़ते मुझे ये बुक बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब मैं ये एंड किया, जब टोटल 120 रूल ऑफ ग्रामर मैंने एंड किया और जब मैं एरर करेक्शन बनाने लगा, लिटरली मुझे क्वेश्चंस दिख रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे ना, मुझे बस सेंटेंस पढ़ते ही मुझे ग्रामर कहाँ मिस्टेक है वो मैं खोज ले रहा था। ओके, उसके बाद ये तो थी, लेकिन हाँ, सिर्फ इससे काम नहीं होता, रूल से काम नहीं होता। रूल्स आपने पढ़ लिया, रूल्स आपने सीख लिया, लेकिन सेंटेंस में खोजने के समय में ना आपके पास, चूँकि 120 रूल्स है, डिफरेंट रूल्स है, तो वो 120 जैसे 120 फार्मूले आपके पास है, तो आप किस क्वेश्चन में कौन से फार्मूले लगाओगे, ये तो आपका माइंड बताएगा। तो ये कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल है जब आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पे आपको दो तीन रूल्स अप्लाई हो, उस समय आप क्या करोगे, तो वहाँ पे क्या एरर हो रहा है वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा। तो इस बुक से मैंने डिफरेंट डिफरेंट देखोगे तो यहाँ ढेर सारे प्रैक्टिस सेट है ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर। तो जब आप ख़त्म करोगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एक समय आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो आपको मतलब ऐसे लगेगा कि यार ये क्या, ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ है, IPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इन सब एग्ज़ामों में तो मैं दो, मुझे लगता है कि 15 टोटल 20 मिनट का पेपर होता था ना, 15 मिनट के अंदर मेरा इंग्लिश ओवर हो जाता था जस्ट ये सेक्शन के कारण, क्योंकि ग्रामर 5 मिनट के अंदर मैं जितने भी ग्रामेटिकल सेक्शन था सारा मैं कर लेता था। बहुत ईजी लगता था जब मैं सारी चीज़ें इंग्लिश का अच्छे से एक स्ट्रेटजी फॉलो करके पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये बुक मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा था। मैं शुरू से ही, पिछले साल से जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। इसके साथ साथ आप देखोगे इस बुक में ना कुछ स्ट्रेटजीज भी दी हुई हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लाइक पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, वोकैब के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हो इस बुक में, जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो, स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रैटेजीज सॉल्व क्लोज टेस्ट फिलर्स, पैराग्राफ कंप्लीट क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है ना, निमिषा मैम का यहाँ का जो स्ट्रैटेजी है ना, वो वाकई में मुझे याद है कि मैं पिछले 5-6 एग्जाम्स में ना, मैंने एक भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट रॉन्ग नहीं किए हैं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। यहाँ तक कि मेंस में भी मैंने ये रीअरेंजमेंट सही बनाए थे, क्योंकि वो उनका मैम का जो स्ट्रैटेजी वो इतना अच्छा था, इतने सारे क्वेश्चन मेरे बनने लगे और इतने करेक्ट बनने लगे कि मैं पिछले 5-6 एग्ज़ाम में तो मैं श्योर हूँ कि मैंने एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए थे रीअरेंजमेंट से। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था ये स्ट्रैटेजी से, मुझे बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी इसमें दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो इस स्ट्रैटेजी को भी। इसके साथ साथ इस बुक में मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड है इस बुक में। देखो मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो इस बुक को परचेस कर सकते हो। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूँगा। इसके साथ साथ आप निमिषा मैम के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की लाइव क्लासेस भी कर सकते हो। क्लासेस करने के बाद ये बुक और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे चीज़ों का नोट्स अवेलेबल है, आप आराम से इसे डेली पढ़ो, डेली इसे रिवाइज करो, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, देखना एक समय के बाद ना अपने आप आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, 100% दिखेगा। आप जब डिफरेंट मॉक लगाने स्टार्ट करोगे उसके बाद, तो आपको दिखेगा कि आपके मार्क्स आ रहे हैं। जहाँ पे आपके इंग्लिश में 10 नंबर आते थे शुरुआत में, वो आपके 13 पहुँचेंगे, फिर 15 पहुँचेंगे, ऐसे ऐसे करते करते 25 तक जरूर के जरूर पहुँचेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ।
बस मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है, और थोड़ा सा अपना माइंड का भी यूज़ करना है ना, क्योंकि 120 रूल्स ऑफ टोटल 120 रूल्स हैं, तो चीज़ों को क्लियरली मतलब ऐसे ऐसे सीखना है ना कि आपको पूरा पूरी विजिबल हो, आपको मतलब सबको एक साथ मिला नहीं देना है, कहते हैं ना उसे खिचड़ी नहीं बनाना है, अच्छे ऐसे ऐसे पढ़ना है कि आपके माइंड में पूरा 120 रूल्स एकदम सेपरेटली एक एक कोने में एकदम सेट हो, देखना आपका मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव करेगा। और इन रूल्स का यूज़ सिर्फ आप ये मत सोच के ना करो कि आप एरर करेक्शन तक ही लिमिट है, नहीं, इसका लिमिट बहुत दूर तक है, आप जब मॉक लगाने लगोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका लिमिट कहाँ तक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रीजनिंग के लिए या क्वांट के लिए भी अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं जल्द, टेक केयर।